विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर नवरात्र मेलों के दौरान 22 घंटे खुला रहेगा। मंदिर रात के समय 12 बजे बंद होगा, जबकि 2 बजे फिर से श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 400 पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। जहाँ पर मंदिर परिसर क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा, वहीं पर CCTV कैमरे की मदद से मंदिर परिसर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार का असामाजिक तत्व मंदिर में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा जेब कतरों पर भी निकेल कसने के लिए CCTV कैमरे की मदद ली जा रही है। बताते चले कि नवरात्र मेलों के दौरान यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसके लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। नवरात्र पूरी तरह से तैयारी हो गई है और सफाई व्यवस्था का बहुत ध्यान रखा गया है। गली नाली और जगह जगह पर हमारे सफाई कर्मी लगे हुए हैं माता के दरबार में सफाई के लिए 24 घंटा तत्पर। चलो चैत्र मेला 2 तारीख से शुरू हो रहा है, इसलिए हम सभी कर्मचारी लगे हुए साफ सफाई करने के लिए, ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले और यात्रियों में से हो चले। धन्यवाद। नाम मेरा रवि कुमार गरगई, डिस्ट्रिक्ट भिंडा मोड़ मंडी तो आया गा। माता जी के दर्शन करन दा कई सालों का प्रोग्राम बनी जाता सीगा, 2 सालों तो करी जाते सी माता जी दर्शन करने हैं, माता दर्शन करने हैं, लेकिन माता ने अज बुलाई लेता आदे भगतों को। माता जी का जो इतने सजावट है, जो इतने भवन की सजावट है, बहुत ही ज़्यादा वधिया गई, जाने की देख के बंदे रूह खुश होंगी इतने, बहुत ज़्यादा वधिया। तो इतने भगतों के मेले लगे पे ने इतने, तो जय माता दी, जय माता दी जी। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए श्री नैना देवी से भरत गौतम।